हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल मोस्ट एंड मोर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिया चाइना फेस ऑफ के बारे में। उससे पहले हमने डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, जिसमें आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए और कौन से सब्जेक्ट है जो हम कवर करेंगे, तो प्लीज उस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जो भी इंडिया चाइना फेस ऑफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया चाइना रिलेशन के ये जो टॉपिक है काफी करंट टॉपिक है, बहुत हॉट और बर्निंग टॉपिक भी है, ट्रेंड में है। तो इसको हमने दो वीडियो लेक्चर में डिवाइड किया है। पहले में हम बात करेंगे थोड़ी हिस्ट्री के बारे में, और दूसरे वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इंडिया चाइना की जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज है उनके बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया चाइना का बॉर्डर कहां से है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये आपका है इंडिया चाइना बॉर्डर, और ये पूरा बॉर्डर ही डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। जो जम्मू कश्मीर वाला बॉर्डर है उसे हम बोलते हैं वेस्टर्न सेक्टर। जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला साइड है वो है मिडल सेक्टर, और सिक्किम और अरुणाचल वाला साइड है ईस्टर्न सेक्टर। सिर्फ एक मिडल सेक्टर, क्योंकि मिडल सेक्टर में हमें एक हाइट का एडवांटेज है, उसे छोड़ दें तो वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर दोनों डिस्प्यूटेड है। तो हम बात करेंगे पहले वेस्टर्न सेक्टर के बारे में, ठीक है? वेस्टर्न सेक्टर के बारे में बात करते हैं, थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं ब्रिटिश टाइम के। ब्रिटिश टाइम में ये जो बॉर्डर था हमारा, ये हम तिब्बत से शेयर करते थे, डायरेक्टली चाइना से शेयर ना करके हम तिब्बत से शेयर करते थे बॉर्डर। क्यों? क्योंकि अगर आप पहले उठा के देखेंगे तो पहले जो दो मेन कंट्रीज थी, जो वो थी ब्रिटिश और दूसरी थी रशिया। तो जो चाइना था वो रशिया का एली था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि हम उनसे लड़ाई की जड़ी जो है उसे खत्म कर देते हैं। कैसे? हम एक बफर स्टेट बनाते हैं ताकि हमारा चाइना से कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ही ना हो। तो उसके लिए तिब्बत बनाया गया। तिब्बत जो था वो आपका बफर स्टेट था, हम बॉर्डर शेयर करते थे तिब्बत से। तो हमने शिमला एकॉर्ड जो साइन किया 1914 में, किसके साथ साइन किया? तिब्बत के साथ। ये जो जॉनसन लाइन आप देख रहे हैं, उस वक्त माना गया कि ये जो जॉनसन लाइन है हम इसे मानेंगे, ठीक है? इंडिया तिब्बत दोनों इस चीज के लिए एग्री हो गए। लेकिन बाद में जब चाइना ने तिब्बत पे पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, या बोल सकते हैं चाइना तिब्बत को अक्वायर कर लिया, तो चाइना ने बोला कि हम इस जॉनसन लाइन को मानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शिमला एकॉर्ड के अंदर इंडिया, जो कि तब ब्रिटिश इंडिया था, इंडिया ने तिब्बत के साथ ये चीज साइन की थी, ये एकॉर्ड साइन किया था, और जो तिब्बत है वो अब चाइना का पार्ट है। तो चाइना का कहने का मतलब है कि चाइना इसमें मेजर स्टेक होल्डर था ही नहीं। तो चाइना मानता है, यहां से ये जो लाइन जाती है मैकडॉनल्ड लाइन, चाइना ने कहा कि हम तो मैकडॉनल्ड लाइन मानते हैं। और फिर 1954 में दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, ही साइन पंचशील एग्रीमेंट विद हिज चाइनीज काउंटर पार्ट। पंचशील एग्रीमेंट क्या बात करता है? पंचशील एग्रीमेंट बात करता है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की। ठीक है, यानी कि आपकी सोवरेनिटी, हमारी सोवरेनिटी, हम एक दूसरे की सोवरेनिटी को हैम्पर नहीं करेंगे, यानी कि हम पीसफुली कोएग्जिस्ट करेंगे। ये बात हुई पंचशील एग्रीमेंट में। तो इंडिया ने बात की थी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की, और चाइना फॉलो करता था
माओस फिलोसफी, माओ माओत्सेदोंग या माओत्सेदोंग जैसा आप प्रोनाउंस करना चाहें, चाइना का बहुत ही फेमस लीडर थे, उन्होंने एक फिलोसफी ली थी। क्या फिलोसफी थी उन्होंने ये फिलोसफी ली थी? जो हैंड है वो है चाइना, जो पाम है वो है तिब्बत, और जो फाइव फिंगर्स है वो है लद्दाख, सिक्किम, नेपाल, भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश। दैट मींस पहले तिब्बत को लिबरेट करें और फिर ये पांचों हिमालयन स्टेट को लिबरेट करना, ये माओस फिलोसफी थी, और यही फिलोसफी चाइना फॉलो करता है। तो ये आप यहां पे देख सकते हैं कि आफ्टर 1962, जो 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ और इंडिया हार गया उस वॉर के अंदर, तो जहां तक चाइनीज आर्मी आ गई थी उस बॉर्डर को एलएसी कहा गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब 1962 के बाद से कंटिन्यू काफी डिस्कशंस वगैरह चल रहे थे, तो 1993 में एलएसी को लीगल रिकॉग्निशन मिल गया, ठीक है। तो उसके बाद से जो अक्साई चिन वाला पार्ट है वो चाइना के कंट्रोल में है, जिसे चाइना जिंगजियांग रीजन कहता है। अब अक्साई इसका मतलब क्या हुआ, इस 1993 में जब एलएसी को लीगल रिकॉग्निशन मिल गई, इसका मतलब ये नहीं कि एलएसी ही एक्चुअल बॉर्डर है, नहीं, हम अभी भी अक्साई चिन को हमारा पार्ट मानते हैं और हम ये क्लेम करते हैं कि अक्साई चिन हमारा पार्ट है। किसके थ्रू? क्लॉज 6। 1993 में जो एग्रीमेंट हुआ और 6 में हमने क्या लिखा था, क्लॉज 6 में लिखा था कि हम एलएसी को लीगल रिकॉग्निशन दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो हमारे बॉर्डर्स हैं उसको किसी दूसरे की सोवरेनिटी को सरेंडर कर रहे हैं। दैट मीन्स हम अभी भी अक्साई चिन को हमारा पार्ट मानते हैं। तो ये हमने बात की थोड़ी बहुत हिस्ट्री की, थोड़ा हम बात कर लेते हैं सिक्किम की। 1975 में सिक्किम को हमने एसोसिएट स्टेट बनाया। एसोसिएट स्टेट बनाने के बाद चाइना ने इसे अपोज किया। चाइना कंटिन्यू इस एसोसिएट स्टेट सिक्किम के लिए अपोज करता रहा। क्यों? क्योंकि यहां की जो डायनेस्टी थी चोग्याल डायनेस्टी, वो डायरेक्ट कांटेक्ट में थी चाइना के। इसके बाद 2003 और 2005 में चाइना ने मान लिया कि सिक्किम जो है इंडिया का पार्ट है, और चाइना ने बोला कि सिक्किम जो है अब कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से सिक्किम का जो इशू था वो रिजॉल्व हुआ। अब हम बात करते हैं, वापस आते हैं हमारे अक्साई चिन वाले पार्ट पर, गलवान। तो इस वाले एलएसी पे जो है प्रॉब्लम ये है कि एलएसी जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसकी वजह से एलएसी पे डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। जो पैंगोंग सो लेक है ये भी डिस्प्यूटेड एरिया है। पैंगोंग से लेक का 8 फिंगर्स है, जिसमें से 1-4 इंडिया क्लेम करता है और 5-8 चाइना क्लेम करता है। पर अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि चाइना जो है उसने अपने 5-8 तक में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया है काफी अच्छा, और अब वो 4 पे भी क्लेम जताना अपना स्टार्ट कर दिया है। तो ये बात थी पैंगोंग सो लेक की। तो अब हम बात करते हैं गलवान वैली में। गलवान वैली में अब तक सब, अभी ये क्वेश्चन था कि इतने टाइम तक चाइना ने कुछ नहीं किया, लेकिन अब वो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट कर रहा है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है
DSDBO रोड जो कि इंडिया कंस्ट्रक्ट कर रहा है अपने वाले पार्ट में लद्दाख वाले रीजन के अंदर। इस वाले मैप में आप देख सकते हैं जो DBO है दौलत बेग ओल्डी, हमने लेह से दौलत बेग ओल्डी के लिए रोड कंस्ट्रक्ट किया है जिसकी वजह से चाइना को प्रॉब्लम होने लगी है क्योंकि अब तक हमने इन एरियाज के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया था किसी भी तरह का। दौलत बेग ओल्डी जो है वो एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाया गया है क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक पोजीशन कि काराकोरम पास के पास भी है और ये आपका जो LAC है उसके भी काफी पास पड़ता है। तो इस रोड की वजह से चाइना ने बाकी ये जो रीजन है LAC में यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है। और ये जो गलवान रिवर है, यहाँ से जो गलवान रिवर जाती है, गलवान और श्योक का जो कॉन्फ्लुएंस है, यहाँ पे हम एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर रहे थे जिसकी वजह से चाइना ने गलवान वैली में मिडनाइट में हमारे जो आर्मी फोर्सेस थे उन पर अटैक किया था। तो अब ये बात उसके अंदर 20 सोल्जर्स हमारे मार्टियर हुए थे और उनके जैसा कि हमारी न्यूज एजेंसी बताती है 43। पर ये जो श्योक और गलवान कॉन्फ्लुएंस है इस एरिया को हमेशा से इंडियन टेरिटरी माना गया था। लेकिन फर्स्ट टाइम चाइना गलवान रीजन को अपना पार्ट क्लेम कर रहा है और जो वो कॉन्फ्लुएंस एरिया है उसे भी चाइना ने अपना पार्ट बताया है। तो जो मेजर डिस्प्यूट चल रहा है वो गलवान श्योक कॉन्फ्लुएंस एरिया का है। तो इस लेक्चर में हमने बात करी है जो रीसेंट गलवान वैली के अंदर जो भी डिस्प्यूट हुआ उसके बारे में और थोड़ी हिस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की। और ये जो पूरा एस्केलेशन हो रहा है ये क्यों हो रहा है, इसका क्या रीजन है उसके बारे में। तो चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि हम एग्जाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है गलवान रीजन, गलवान वैली की लोकेशन, पैंगोंग से लेक के बारे में ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा DSDBO रोड, ठीक है, इस रोड के बारे में आपको पता होना चाहिए, और जम्मू कश्मीर का जो अभी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है उसके बारे में। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।